हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रत्युष द रीडर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कहानी की समीक्षा लेकर हाजिर हूँ। कहानी का नाम है 20 साल बाद। दोस्तों, मैंने ये कहानी पिछले साल अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी। यह मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। 20 साल बाद ओ हेनरी द्वारा लिखित दो दोस्तों की कहानी है, जो 20 साल बाद मिलने का वादा करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। ओ हेनरी एक प्रसिद्ध अमरीकी लेखक थे। इनका जन्म 11 सितंबर सन 1862 के दिन अमेरिका के ग्रीसब्रो में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ द गिफ्ट ऑफ मैगी, द लास्ट लीक, द रैनसम ऑफ रेड चीफ आदि। 5 जून सन 1910 को न्यूयॉर्क में इनका निधन हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का प्रारंभ एक पुलिस अधिकारी की प्रभावशाली गश्त से होती है। समय रात के 8 बज रहे थे। हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र की दुकानों की जांच कर रहा था कि वह ठीक तरह से बंद है या नहीं। एक गोदाम के दरवाजे के पास आदमी की आकृति दिखी तो उसने अपनी चाल धीमी कर ली। उस आदमी के मुंह में अधजला सिगार था। पुलिस अधिकारी को अपने पास आता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने कहा कि सब ठीक है, मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ बिग जो नाम का रेस्टोरेंट था। मैंने और मेरे मित्र ने वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद हम इसी स्थान पर फिर मिलेंगे। तभी गोदाम के दरवाजे पर खड़े उस व्यक्ति ने सिगार जलाया और उसके प्रकाश में उस व्यक्ति का चेहरा पुलिस वाले ने देखा तो वह पहचान गया कि वही आदमी है जिसकी शिकागो पुलिस को तलाश है। पुलिस वाला सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तभी उस व्यक्ति ने अपनी और मित्र की पूरी कहानी सुनाई। वो और उसका मित्र जिम्मी दोनों न्यूयॉर्क में बड़े हुए थे। जब वो 18 वर्ष का हुआ तो न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चला गया। परंतु उसका मित्र जिम्मी न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता था और उसने फैसला किया था कि 20 साल बाद हम इसी जगह पर फिर मिलेंगे। पुलिस वाले ने पूछा कि क्या विदा होने के पश्चात उसे अपने मित्र का कोई समाचार नहीं मिला। तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि कुछ समय तक हम दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते थे, उसके पश्चात पत्र व्यवहार भी बंद हो गया, परंतु उसे भरोसा है कि उसका मित्र जिम्मी अवश्य जीवित होगा तो उसे मिलने जरूर आएगा। हजारों मील दूरी तय करके अपने मित्र से मिलने आया है। यह बात सुनकर उसका मित्र जिम्मी बहुत खुश होगा। उस व्यक्ति ने अपनी रत्न जड़ित घड़ी की ओर देखा और कहा, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। प्रतीक्षा का समय समाप्त होने वाला था। अतः पुलिस वाले ने पूछा कि क्या वह कुछ देर अपने मित्र की प्रतीक्षा करेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वह कम से कम आधा घंटा और प्रतीक्षा करेगा। उसे विश्वास था कि उसका मित्र जरूर आएगा। पुलिस वाले ने शुभरात्रि कहकर उस व्यक्ति से विदा ली। 20 मिनट पश्चात एक आदमी उस जगह पर आया। वह शरीर से लंबा था। उसने एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था और कॉलर कानों तक खड़ा कर रखा था। उस आदमी ने आते ही गोदाम के आड़ में खड़े व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम बॉब हो। गोदाम के आड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति समझा कि वह जिमी है। उन्होंने बातचीत की, परंतु उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि जिम्मी अब 2-3 इंच लंबा हो गया है। लंबे कोट वाले आदमी ने बॉब को परिचित स्थान पर चलने को कहा। दोनों गप्पे मारते हुए चल दिए। वास्तव में कोट वाला आदमी उसे पुलिस चौकी की तरफ ले जा रहा था।
जब वह साथ साथ जा रहे थे, अचानक बॉब ने प्रकाश में कोट वाले आदमी का चेहरा देखा। उस आदमी की नाक पिचकी हुई थी, बल्कि उसके मित्र जिम्मी की नाक रोमन थी। तभी उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम जिम्मी वेल्स नहीं हो। कोट वाले व्यक्ति ने उसे बताया कि वो शिकागो पुलिस के गिरफ्त में है और उसे एक पत्र दिया। उस चिट्ठी को पढ़ते वक्त बॉब के हाथ कांप रहे थे। जिम्मी ने पत्र में लिखा था, वह बॉब से मिलने ठीक समय पर आया था, लेकिन उसे माचिस की तीली की रोशनी में उसका चेहरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह वही व्यक्ति है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है, परंतु वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। अतः बॉब को गिरफ्तार करने के लिए उसने सादी वर्दी में सिपाही को भेजा। गोदाम के आड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति बॉब था, पुलिस अधिकारी उसका मित्र जिम्मी था। बॉब का अपने मित्र जिम्मी के लिए बेसब्री से इंतजार करना देखकर जिम्मी के मन में भी अपने मित्र के प्रति आदर भाव आया, परंतु बॉब गलत रास्ते पर चल रहा था। कहीं ना कहीं जिम्मी अपने मित्र को सही रास्ता दिखाना चाहता था। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मित्रता अनमोल होती है। मित्र का सही रास्ते पर होना भी अनिवार्य है। साथ ही साथ मित्रता से बढ़कर होता है कर्तव्य बोध, वही जिम्मी में देखने को मिलता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की न्यूज़ सबसे पहले मिले।